लक्ष्मी व्रत समापन की विधि में जो 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने की बात है, वह हमें कितनी महिलाओं को अपने घर बुलाना चाहिए और कैसे उन्हें भोजन कराना चाहिए, भोजन में क्या क्या भोज पकवान बनाने चाहिए, और यदि महिलाएं नहीं मिलती हैं तो उनके ऑप्शन में क्या हम कन्याओं को खिला सकते हैं कि नहीं, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत समापन जो कि 24 सितंबर को हो रहा है, हम अपने घर में महिलाओं का जो सुहागन महिलाओं का भोज है वो किस प्रकार करें, उन्हें क्या उपहार दें, भोजन में क्या क्या सामग्री बनाकर खिलाएं और कब खिलाएं, पूजा से पहले ही खिला दें कि पूजा के बाद में खिलाएं, चंद्रोदय का समय रात्रि में है तो क्या चंद्रोदय के बाद में हमें खिलाना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर खूब सारी कृपा करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो देखिए, महिलाओं को खिलाते हैं, चाहे ब्राह्मण भोज करते हैं या फिर हम नवरात्रि में कन्याओं को खिलाते हैं, हमेशा अपनी प्रतिदिन की पूजा, अपने जो पाठ है, मंत्रों का जप है, हवन है, आरती है, सब विधियां करने के बाद ही ब्राह्मण भोज या कन्या भोज या फिर सुहागन का भोज हमें करवाना चाहिए। और आपने ये सभी काम, भोजन वगैरह दिन में बना के रख लें और शाम को संध्या से पूजा प्रारंभ कर दें, 8-8:30 बजे तक अपनी पूजा कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक थाली में चंद्रोदय के लिए जल, अक्षत, पुष्प, मिठाइयाँ, दीप आदि थाली सजा के आप रख दें, उसके बाद अपने घर सुहागन महिलाओं को बुलाएं, उन्हें आसन दें। महिलाओं को एक दिन पहले ही आपको आमंत्रण दे लेना है। तो अब देखिए, महिलाएं मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे तो नियम से 16 की संख्या में महिलाओं की बात कही गई है कि 16 सुहागन स्त्रियों को हमें बुलाना है, लेकिन यदि आपको 16 नहीं मिलती हैं तो आपको जितनी मिल जाए उतनी ही बुला लें। यदि 16 नहीं मिलती हैं तो आपने एक पति पत्नी को जोड़े से बुला लेना है। अब आप चाहे मंदिर के पुरोहित को बुला लें या फिर आप अपनी ननद को बुला लें। ननद जो होती है वो सबसे बड़ी ब्राह्मण मानी जाती हैं, तो आप अपने ननद और नंदोई को बुलाकर एक दिन पहले से उन्हें आमंत्रण दे दें, अपने घर बुलाएं, उनके पैर पखारें यानी कि पैर को धुलाएं, उन्हें बैठने के लिए आसन दें, उसके बाद उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें। और अभी आगे हम आपको बताएंगे भोजन में हमें क्या क्या खिलाना है। तो देखिए, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे और फिर एक दीप से उनकी हम आरती उतारेंगे। दीप ले लीजिए, उससे आरती उतार लीजिए, क्योंकि देखिए वो उस समय माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। और जब हम किसी को पति पत्नी के साथ में पूजन करते हैं तो स्वयं साक्षात और भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं, इसलिए उन्हें आदर से बुलाएं और अपने घर में आसन देकर उनको धूप दीप से उनकी आरती उतारें। उसके बाद आप अपनी रसोई का बना हुआ भोजन, आपने जो बनाया है क्या बनाना है, ये ज्यादातर प्रश्न था। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है पूरियाँ और यहाँ पर ये है खीर। और सब्जी के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न था कि हमें सब्जी भी बनानी है, तो बिल्कुल आप आलू और टमाटर की या और भी कोई सब्जी वगैरह बना सकते हैं, आप कढ़ी चावल वगैरह भी बना सकते हैं। तो जैसे कि उस दिन हम लोग माता महालक्ष्मी को 16 पूरियों का भोग लगाते हैं और खीर बनाते हैं, तो देखिए माता महालक्ष्मी का जो प्रसाद है 16 पूरी और एक पात्र में खीर, उसे भर के आपको माता रानी के पास में रख लेना है। उसके बाद जो रसोई में बचा हुआ है उसको आपको ब्राह्मण भोज के लिए इस्तेमाल करना है। माता लक्ष्मी को जो प्रसाद आपने चढ़ाया वो आपको स्पर्श नहीं करना, वो हमें रात्रि में 11 बजे, चंद्र का समय अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, चंद्रोदय के समय पे चंद्र को अर्घ देकर चंद्र देवता को पूजन करने के बाद हम पारण करेंगे। तो पारण के क्या नियम है वो अलग डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन जो सुहागन महिलाओं को भोजन आपको कराना है वो आप मीठा और नमकीन दोनों ही करा सकते हैं। आप हलवा, पूरी, खीर, सेवइयां, कढ़ी, चावल, आप जो भी है बिना लहसुन प्याज का, उसमें आपने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर और उन्हें आसन पर बिठाकर आप परोसें और उनको भोजन कराएं। उसके बाद उन्हें
क्या सुहाग की सामग्री देनी है? बहुत सारी बहनों ने कहा था जो हम लोग 16-16 की संख्या में चढ़ा रहे, क्या उसी को निकाल कर हम दे दें? नहीं, ऐसी गलती आप ना करें। वो जो सूप में आपने सामग्री रखी है वो सीधे लक्ष्मी जी का है, वो लक्ष्मी जी के नाम से आपने निकाला है, वो सीधा आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही देना है दूसरे दिन। लेकिन जब आपके घर जो आई हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, आप उन्हें अलग से आपके पास में हो, या फिर आपने माता महालक्ष्मी के चौकी पर जो पहले दिन जो आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है उसमें से बिंदी, सिंदूर, चूड़ी कुछ भी आप उन्हें दे सकते हैं। उसके साथ में दक्षिणा अलग से आपको देना चाहिए। जब भी हम किसी ब्राह्मण भोज, मतलब कभी भी ब्राह्मण भोज कराते हैं, तो हमेशा दक्षिणा जरूर देना चाहिए। और जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, जो फल मिठाई आपने चढ़ाई है, वो आप प्रसाद के रूप में उन्हें दे सकते हैं। अलग से फल मिठाई 16-16 की संख्या में रहती है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने घर में माता महालक्ष्मी व्रत समापन की विधियों में सुहागन बुलाकर उन्हें पहले से आमंत्रण देकर पूजन अर्चन करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कराने के बाद उनके पैर छुएं और उनको दक्षिणा और उपहार देकर उनकी विदाई करें। ये सभी काम आप 8 बजे के बाद, मैं 8 बजे इसलिए कहती हूँ कि इतनी तैयारी, इतना सब कुछ करने में समय इतना लग ही जाता है, तो आप पहले से तैयारी कर लें। 7 बजे भी आप खिला सकते हैं, शाम को 6-7 बजे तक कंप्लीट हो जाए आपका पूजा उपासना, उसके बाद आप खिला सकते हैं। तो इस तरह से सुहागन महिलाओं को अपने घर में खिलाना चाहिए। सुहागन महिलाएं ना मिलने पर बहुत सारी बहनों ने पूछा था कन्या को, तो कन्या को हम इसमें नहीं खिला सकते हैं। सुहागन महिलाएं ना मिलने पर आप पति पत्नी जोड़े से एक जोड़ा, दो जोड़ा, जो आपसे बन पड़े आप उतना खिलाएं। भोजन में भी आप बहुत ज़्यादा ना परेशान हो, सिर्फ खीर और पूरी खिलाकर उन्हें उपहार देकर विदा करें। ये एक प्रकार की विधि है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आप ज़्यादा बहुत चीज़ें बनाने के प्रयास में ना रखें। शुद्ध सात्विक और प्रेम से, उत्साह से बनाकर उन्हें आमंत्रण दें और उन्हें खिलाएं, उनको विदा करें। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर अवश्य ही होगी। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी जो कि माता महालक्ष्मी व्रत समापन में सुहागन महिलाओं से संबंधित थी। और वहीं पर यदि आप पीरियड से हो गए हैं, बहुत सारी बहनों का ये कमेंट था कि मैम हम पीरियड से हैं तो हम कैसे करेंगे, या आपके घर में सूतक पातक हो गया है तो हम कैसे करेंगे, तो ऐसी दशा में आपको अपने घर के किसी अन्य व्यक्ति से, यानी सासू माँ से, अपने पति से करवा लेना चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो आपने वो चौकी सेम उसी तरह रहने देनी है, एक कम से कम दीप जलवा लें। और जब आप तीसरे चौथे दिन शुद्ध हो जाएंगे तब आप अपने घर में पूजा उपासना सिंपल तरीके से करके माता रानी को कुछ भी भोग लगाकर चौकी आप हटा दीजिए, कलश का विसर्जन कर लीजिए और कुछ दक्षिणा जो आपने 16 की श्रृंगार की सामग्री वगैरह में खर्च होता है वो दक्षिणा निकाल के रखो, जोड़े से वो सभी सामग्री देनी है। सूतक पातक में, पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अष्टमी तिथि का महत्व होता है, ठीक है। तो अश्विन मास की अष्टमी पर ये सारी विधियां करके हम माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।